नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज मैं अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहे T20 वर्ल्ड कप के आज के मुकाबले की चर्चा कर रहा हूं आपसे। पहले भी एक दो मैचों की विवेचना लेकर के मैं आपसे मुखातिब हुआ था और आज का जो मैच है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इंडिया का मैच है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। वो ऑस्ट्रेलिया जिसने अपने भारत की सरजमी पर नवंबर के महीने में 19 तारीख को जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप 50 ओवरों का, उसका फाइनल, टीम इंडिया अजेय रहते हुए फाइनल तक पहुंची थी। और फाइनल में अचानक से क्या हुआ, टीम इंडिया मैच हार गई। वो दिन पूरे देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए काफ़ी दुखदायी हो गया। हर किसी को ये उम्मीद थी कि टीम इंडिया इस बार अपने घरेलू मैदान पर चैंपियन होगी। पूरे देश में इसकी तैयारी कर ली गई थी जश्न मनाने की, जीत की। इसके पीछे एक बड़ा कारण था कि टीम इंडिया ने पहले मैच से ही जिस अंदाज में खेलना शुरू किया था वर्ल्ड कप में, उससे शायद ही कोई ऐसा रहा हो जिसे ये लगता हो कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप उठाने से वंचित हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। आपको ये भी याद होगा कि उसी वर्ल्ड कप में एक मैच हुआ था अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो मैच ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से हार चुका था लगभग, लेकिन अफगान लड़ाकों की अनुभवहीनता के चलते और कुछ क्षेत्ररक्षण में उन्होंने जो खराब प्रदर्शन किया उसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने न केवल ये मैच जीता बल्कि अफगानों के अरमानों पर पानी फेर दिया था। और वो सब कुछ किया था ऑस्ट्रेलिया को चैंप उस मैच में जिताने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने शानदार पारी खेली थी। वो घायल भी हो गए, गिरते रहे विकेट पर, खड़े होते रहे, लेकिन टीम को जीत दिला करके ही पवेलियन वापस लौटे। लेकिन अब अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में जो टूर्नामेंट चल रहा है T20 का, वो बहुत जबरदस्त मैच चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त देकर के अफगानिस्तान ने बहुत बड़ा उलटफेर किया है। वैसे इस टूर्नामेंट में शुरू से ही कई उलटफेर हुए। पाकिस्तान बाहर हो गया, न्यूजीलैंड बाहर हो गई, इंग्लैंड सुपर एट में पहुंचते पहुंच गई और वो सेमीफाइनल का भी टिकट कटा चुकी है। लेकिन अफगानिस्तान ने क्रिकेट के तीनों प्रारूप में पहली बार कंगारुओं को शिकस्त दी है। अफगान लड़ाकों ने अपना हिसाब तो पूरा कर लिया, अब क्या टीम रोहित, टीम इंडिया अपनी सरजमी पर जो शिकस्त मिली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसका हिसाब किताब कर पाएगी? अगर ऑस्ट्रेलिया आज कंगारुओं को शिकस्त देती है तो एक तरह से कंगारुओं का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। लेकिन इसके लिए टीम इंडिया को बहुत कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो क्षेत्र रक्षण हो। खास तौर पर क्षेत्र रक्षण, 2-1, 3-2, 4-1 या 2 में तब्दील करना होगा और कैचेस बनाने पड़ेंगे। कैचेस बनाएंगे आप तो जीत आपके कदम चूमेगी। हालांकि एक और भी
जो मौसम का पूर्वानुमान है उसके अनुसार ये आशंका जताई जा रही है कि सेंट लुइस में आज बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने ये भविष्यवाणी की है कि करीब 55% उम्मीद है कि मैच में बारिश होगी। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इन सभी मसलों पर मैं आज आपसे मुखातिब हूँ और एक एक चीज़ की विवेचना मैं ज़रूर करूँगा और आप सबके सामने बहुत सारी चीज़ें रखने की कोशिश करूँगा। बात शुरू करता हूँ टीम इंडिया से। टीम इंडिया अपने पहले मैच से ही सुपर एट ही नहीं, शुरुआती जो लीग मैचेस हुए हैं, ग्रुप मैचेस हुए हैं, उसमें भी टीम इंडिया ने बहुत शानदार तरीके से अपने अभियान को शुरुआत की और उसे आगे लगातार आगे बढ़ाते चले गए। हालांकि अमेरिका में जो तीन मैच हुए वो अमेरिका का न्यूयॉर्क का जो विकेट था वो बहुत ही तेज गेंदबाजों के अनुकूल था, बल्लेबाजों के लिए वो एक तरह से बहुत दुखदायी था, रन बन ही नहीं रहे थे। बमुश्किल कोई भी टीम हो, बमुश्किल 100, 110, 115, 120, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इस न्यूनतम स्कोर वाले मैचों में भी, लो स्कोरिंग मैच वाले मुकाबलों में भी टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और अपराजेय रही। ये अजेय क्रम ग्रुप आठ सुपर एट में भी उसने जारी रखा और अब तक हुए दोनों मैच में शानदार जीत अर्जित की है। अब ये कांटे का मुकाबला है। टीम इंडिया की ओर से अगर बैटिंग की बात करें तो हर बल्लेबाज फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि कोई बल्लेबाज फॉर्म में नहीं हो। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप कहेंगे तो रविंद्र जडेजा से कुछ खास हो नहीं पा रहा है। हालांकि गेंदबाजी में वो इकोनॉमिकल ज़रूर हैं लेकिन विकेट नहीं मिल पा रहा है, बैटिंग में भी वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा ने पहले मैच में ही 50 रन जड़े और शतक पूरा किया। हालांकि ये शुरुआती दौर का मैच था, लीग के जो मैचेस थे उसमें 50 रन बनाए थे रोहित शर्मा ने, उसके बाद से कोई बड़ी पारी उनके बल्ले से आई नहीं है। लेकिन हर मैच में वो अपने अंदाज में विस्फोटक बल शुरुआत कर रहे हैं। बस एक बड़ी पारी ओपन करने वाले दुनिया के जाने माने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, अमेरिका वाले मैच तीनों मैचों में वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, सिर्फ 5 रन ही बना पाए थे, लेकिन सुपर एट के मुकाबलों में उन्होंने लय पकड़ ली है वेस्टइंडीज में और अभी पिछले ही मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अच्छी पारी खेली। लेकिन उन्हें भी एक बड़ी पारी खेलनी होगी। बात करें ऋषभ पंत की तो वो बेजोड़ खिलाड़ी, जीवट का खिलाड़ी, माने दुर्घटना में मौत के मुंह से निकलने वाला वो खिलाड़ी, आज चाहे वो विकेट कीपिंग हो, चाहे वो मिडफील्ड में कैचिंग हो, चाहे वो बल्लेबाजी हो, जबरदस्त। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा ऋषभ पंत के बारे में कि वो भी जमने के बाद एक तरह से कहें तो अपना विकेट थ्रो करके जा रहे हैं, इससे उनको बचना पड़ेगा। बात करें सूर्या की, सूर्य कुमार यादव की, तो वो लाजवाब फॉर्म में है। यही हाल कमोबेश हार्दिक पांड्या ने भी 150 लगा करके अपना दमखम दिखा दिया है कि वो केवल गेंदबाजी ही नहीं बल्लेबाजी में भी अच्छी खासी उनकी स्थिति है और वो पूरे फॉर्म में हैं।
सूर्या 2 पचासा लगा चुके हैं, हार्दिक 1 पचासा लगा चुके हैं। मैंने कहा है कि शुरुआती दौर में रोहित शर्मा 1 पचास लगा चुके हैं। अब तक टीम इंडिया ने जो परफॉर्म किया है उसमें हर मैच में एक नया खिलाड़ी उभर करके सामने आता है और वो अपनी चाहे गेंदबाजी का मामला हो चाहे बल्लेबाजी का मामला हो उसमें वो जीत की बुनियाद तय कर देता है, जीत की कहानी लिख देता है। गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह और स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज की सरजमी पर अपना चलवा बिखेर दिया है। बुमराह बम बम कर रहे हैं, बम बम कर रहे हैं, तो वहीं कुलदीप की फिरकी वेस्ट इंडियन विकेट्स पर कहर ढा रही है, वो फिरकी अबूझ हो जा रही है। ऐसे में हमारा गेंदबाजी आक्रमण भी बहुत शानदार है, बल्लेबाजी आक्रमण भी बहुत शानदार है, फील्डिंग भी बहुत ठीक की है हमने। एकाध मौकों पर अगर चाहे वो विराट कोहली रहे हों चाहे ऋषभ पंत रहे हों, एकाध कैच ड्रॉप हुए हैं, मुश्किल कैच ड्रॉप हुए हैं, लेकिन उसे हम नज़ीर भी नहीं बना सकते। ये दोनों ऐसे फील्डर हैं जो बड़े मैचों में बड़े दमखम के साथ बड़ा कारनामा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहते हैं। टीम इंडिया के लिए अब तक सुपर एट में जो 2 मैच इंडिया ने खेला है दोनों ही मैच जीते हैं और उनका 4 अंक है। अगर पदक तालिका की बात करेंगे तो उसमें भी रन रेट के हिसाब से टॉप पर है टीम इंडिया, 2 पॉइंट समथिंग उनका रन रेट है। इस लिहाज से अगर कागज की बात करें तो कागज पर टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप T20 की चैंपियन होने की प्रबल दावेदार है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से ऑस्ट्रेलिया ने जिस अंदाज में इस बार की शुरुआत की वो भी बहुत अच्छी नहीं रही। लड़ते भिड़ते वो सुपर एट तक जरूर पहुंच गए, लेकिन सुपर एट के मुकाबले में जब अफगानिस्तान ने 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में मिली पराजय, मैंने जीता हुआ मैच जो वो हारे थे उसका बदला बड़े कायदे से लिया है, और अफगानिस्तान ने ये इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया को सोचने पर विवश कर दिया है। कहीं अगर आज ऑस्ट्रेलिया को इंडिया हरा देता है तो एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट से बाहर होना तय है। हालांकि कल 25 जून को एक आखिरी मैच होगा सुपर एट का जिसमें कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश भिड़ेंगे। अगर ये भी मैच अफगानिस्तान जीत जाता है तो इंडिया के साथ अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा और ये एक बड़ी उपलब्धि होगी अफगानिस्तान के लिए। अगर हम बात करें तो सेमीफाइनल के लिए न सिर्फ सुपर एट के बल्कि टूर्नामेंट के सभी मैचों में भारत को जीत मिली है। अगर आज का मैच भी टीम इंडिया अपने नाम कर लेती है तो आधिकारिक रूप से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी और जैसा कि मैंने कहा कि आज बारिश की भी संभावना है, तो अगर बारिश की वजह से मैच रद्द होता है तब भी ऑस्ट्रेलिया के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल नहीं टेढ़ी खीर होगा। मैच रद्द होने की स्थिति में दोनों टीमों को एक एक अंक दिए जाएंगे, लिहाजा भारत 5 अंक के साथ आराम से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के 3 अंक होंगे। ऐसे में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुकाबले पर सबकी नज़र होगी। दोनों टीमें 25 को एक दूसरे के सामने होंगे। अफगानिस्तान ने 2 मैच खेले हैं और 1 में जीत 1 में हार मिली है। ऐसे में टीम के पास 2 अंक हैं। अगर बांग्लादेश को हरा देती है तो उसके 4 अंक हो जाएंगे और वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। इस सूरत में ऑस्ट्रेलिया का सफर यहीं खत्म हो जाएगा।
मौसम की अगर बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज का मैच सेंट लूसिया में खेलना जाना है। अगर टाइमिंग की बात करें तो भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8 बजे शुरू होगा। मौसम की रिपोर्ट के अनुसार सेंट लूसिया में बारिश की 55% संभावना है। ऐसे में बारिश होना ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए कहीं से भी मुफीद नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो T20 इंटरनेशनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया 31 बार आमने सामने हुए हैं। भारत को 19 मैचों में तो ऑस्ट्रेलिया को 11 मैचों में जीत मिली है, एक मैच बेनतीजा रहा। वहीं T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों टीमों ने 5 मुकाबले खेले हैं, भारत को 3 तो ऑस्ट्रेलिया को 2 मैच में जीत मिली है। आंकड़ों के लिहाज से भारत का पलड़ा भारी है। अब हम दोनों टीमें भी आपको बता दें, भारतीय टीम में रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या उपकप्तान, ऋषभ पंत विकेटकीपर, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन विकेटकीपर, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिचेल मार्श कप्तान, कैमरून ग्रीन, जोश हेडलवुड, एस्टन एगर, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, जोस इंग्लिस, टिम डेविड, नाथन एलिस, मार्कस स्टाइनिस, मैथ्यू वेट, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा और डेविड वार्नर। अब अगर हम दोनों टीमों में की बात करें तो पूर्व कप्तान पैट कमिंस इस टूर्नामेंट में 2 हैट्रिक ले चुके हैं लगातार मैचों में, पहला बांग्लादेश के खिलाफ और दूसरा अफगानिस्तान के खिलाफ। उनका हौसला बुलंदी पर है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, गेंदबाजी में पैनापन है, गेंदों को स्विंग कराना, बाउंस कराना, उनकी लहराती हुई गेंदें विपक्षी के खेमे के बल्लेबाज के लिए मुश्किल जरूर साबित हो रही हैं, लेकिन भारतीय टीम उनसे मुकाबला करने के लिए, दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बात मिचेल स्टार्क की करते हैं। मिचेल स्टार्क और रोहित शर्मा का मुकाबला बहुत जोरदार होगा। जो अब तक के मैचों में रोहित शर्मा की एक कमजोरी, जो बहुत पुरानी कमजोरी है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट या फास्ट बॉलर की अंदर आती हुई गेंद उनके लिए संकट का सबब बन रही है। ठीक ऐसे ही विराट कोहली के लिए भी है। तो इन दोनों बल्लेबाजों को स्टार्क से बच करके रहना होगा, थोड़ा उन्हें संभल करके खेलना होगा। मैं तो ये चाहूंगा आज फिर कि आज के मैच में कप्तान रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली न हो, यशस्वी जायसवाल हो। लेफ्ट एंड राइट का जो ओपनिंग में जो ये सलामी जोड़ी सामने आएगी तो वो और कंगारू गेंदबाजों के लिए, मीडियम पेसर्स के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। यशस्वी बाएं हाथ के अच्छे बल्लेबाज हैं, उन्होंने अतीत में चाहे जो भी मैचेस खेले हैं, हालांकि उनके लिए ये वर्ल्ड कप पहला वर्ल्ड कप होगा, लेकिन उनके अंदर जो जज्बा है, उनकी जो उनका जो कौशल है, खेल कौशल, वो लाजवाब है। मैं चाहूंगा कि आज यशस्वी को मौका मिले और वो रोहित के साथ पारी की शुरुआत करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो रोहित के साथ अगर विराट कोहली ही आते हैं तो विराट कोहली को भी मार्श के साथ साथ एडम जंपा से भी थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। ये संघर्ष भी बहुत जोरदार होने वाला है। एडम जंपा और विराट कोहली की राइवलरी बहुत पुरानी है। देखना होगा कि विराट कोहली और जंपा में से आज कौन 20 छूटता है। ऑस्ट्रेलियन मध्यक्रम की बात करें
तो मैक्सवेल पूरे फॉर्म में चल रहे हैं। अफगानिस्तान से टीम हार जरूर गई, लेकिन उस पूरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की मैक्सवेल ही रहे जो अकेले लड़े और 59 रन की शानदार पारी खेली। मैक्सवेल इंडिया के लिए भी संकट बन सकते हैं। ऐसे में हमारे मीडियम, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो अर्शदीप हो या कुल हो, मुझे इन तीनों में से कोई एक भी सामने आता है मैक्सवेल के, तो मुझे लगता है कि आज बुमराह या कुलदीप में से कोई एक मैक्सवेल का डंडा चटकाएगा जरूर। हमको लगता है कि हमारे साथ सारे भारतवासी, सारे भारतीय क्रिकेटर, क्रिकेट प्रेमी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि आज मैक्सवेल का डंडा बाहर होगा। वो बहुत ज्यादा रन बना नहीं पाएंगे। वहीं हम ट्रेविस हेड की भी बात करेंगे, जिन्होंने अकेले दम पर 19 नवंबर को हमसे हमारा खिताब छीन लिया था। आज बुमराह उन्हें भी शायद चलने न दे। अगर ये हो गया तो समझ लीजिए कि आपका विजय रथ कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे वो इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, कोई भी हो, आप चैंपियन बनोगे। बस जो आईसीसी टूर्नामेंट के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पर गौर कीजिए और टीम इंडिया से पूरी उम्मीद कीजिए कि वो आंकड़ों में वृद्धि हो इंडिया के पक्ष में। और इसके लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि टीम रोहित कोई कसर छोड़ नहीं रखेगी। और आज की रात अगर कंगारुओं का बोरिया बिस्तर बंध जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छी बात है। आपको हमारे विचार कैसे लगे, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अब तक अगर अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इससे मुझे बड़ी मदद मिलेगी। आपका सहयोग अपेक्षित है, प्रार्थनीय है। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।